कितना बुरी तरह चोट लगी हुई है। मैं कह जी जल्दी आओ, सोफे पे बिठाओ इसे। फर्स्ट एड लेके आओ, फर्स्ट एड लेके आओ जल्दी। ला जल्दी से ला। पर हुआ कैसे? इतना जख्म है जी, देखो। मैं कह जी, ये बात क्या है क्यों? तो घबराने वाली बात नहीं है, मामूली सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तू जा आराम कर, ऐसी हालत में ना पूरी तरह से आराम करना बहुत जरूरी होता है। जा पुत्र, ठीक हो जाएगा जीते, तू जा। ये सब हुआ कैसे? इतनी रात ये वहां क्या कर रहा था? मुझे क्या पता क्या कर रहे थे, अपने बारे में तो पता है ना। तुम इतनी रात गए वहां क्या कर रही थी? जब तुमने इसे इस हालत में देखा, मैं वहां वॉक ले रही थी। कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हें? शुक्र मनाओ कि मैं वहां थी, नहीं तो ना जाने तुम्हारा भाई कितनी देर तक वहां पड़ा होता बेहोश। तो तुम इतनी रात गए वॉक ले रही थी, वाह, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। मेरे ख्याल से इस समय हमें आपस में नोकझोंक करने के बजाय जीत के बारे में सोचना चाहिए। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मैंने फोन कर दिया है, डॉक्टर आते ही होंगे। ओह, गुड। वैसे थोड़ी देर पहले जब ये सब हुआ तब तुम भी तो अपने कमरे में नहीं थे। बल्कि मैंने तो तुम्हें सब जगह ढूंढा। स्टडी में देखा था, मैं वहीं था। मेरा कनाडा का कुछ काम बचा हुआ था, वही निपटा रहा था। तुमसे कहा तो था कि मेरा कुछ काम बचा है, वो मुझे करना है, भूल गई तुम? लेकिन परमीत। क्या लेकिन? लगता है डॉक्टर आ गया। जो तो पापा जी, मैं देखता हूँ। सोनी पुत्र। पुत्र जी, बड़ी जल्दी उठ गए, यह रात पर सोए ही नहीं। वो मैं, पापा जी, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? सोनी पुत्र, कोई घबराने वाली बात नहीं। जी ठीक है, जागेगा तो भला चंगा जागेगा, डॉक्टर सब कह कर गए, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं।
ये लीजिए, आपको देरी हो रही है ना। थैंक यू बीवी, थैंक यू सो मच। कितनी क्यूट सी बीवी है मेरी, आज तो मन कर रहा है काम पे नहीं जाऊं। शब्द आप ही ना बेवक्त रोमांस शुरू कर देते, चलिए अब जल्दी ऑफिस चाहिए। हे भगवान, कितने रोमांटिक बंदे को कितनी अनरोमांटिक बीवी दी है, क्या माई, बोलो ना। रुक जाऊं? नहीं शब्द, सुबह से आप एक मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं और अब कह रहे हैं मैं रुक जाऊं। शब जल्दी ऑफिस जाइए, अच्छे पति हो ना, अच्छे पति जल्दी जल्दी ऑफिस जाते हैं और जल्दी जल्दी वापस आते हैं। चलो जाओ। अरे तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बोलो, रुक जाओ। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ना? हाँ। मेरे लिए छुट्टी भी ले रहे? हाँ। आज हम सारा दिन साथ में बिताएंगे। फिर आप खाना बनाना, मैं खाऊंगी। हाँ? आप मेरे कपड़े धोने में मदद करना। क्या? और गौरी की भी थोड़ी सी मदद कर देना बर्तन धोने, पूरा दिन साथ में, मैं अच्छे हुआ। तुम ठीक कह रही हो माई, मुझे काम पे जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर कुछ रह गया तो मैं तुम्हारी बात समझ। एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा शायद? नहीं नहीं माई, मुझे बहुत सारे कपड़े मीटिंग्स में जाना है, मैं बाद में मिलता हूँ। मोबाइल भूल गए शब, फोन भूल। छोड़िए ना, ये क्या बेवक्त का रोमांस, सब छोड़िए ना, ऑफिस नहीं जाना अभी, कान पक। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? कमाल है, खुद ही पागल बनाती और खुद ही पूछती। हाँ माई, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। तुमने किया है खराब? देखो अंकल, बहुत मजाक हो गया, लेकिन अब नहीं, मैं शब को जाकर सारी सच्चाई बताई, अभी तुम्हारी सारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी, देखना। कितनी बार बताओगी माई? हाँ इतनी बार तो बता चुकी हो, कभी यकीन किया उसने? नहीं, क्योंकि शब्द एक शरीफ इंसान है, तुम जैसा नहीं। वो तो तुम्हें अपना बचपन का दोस्त मानते, तुम्हें कामया का मंगेतर, इसीलिए वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करो। लेकिन मैं सबको जाकर बता दूं। ओ कम ऑन माही, तुम मेरे प्यार को गिरी हुई हरकत कैसे कह सकती हो? अरे प्यार का जवाब तो प्यार से देना चाहिए माही, मैं तुमसे सिर्फ प्यार ही तो। एक आखिरी मौका है तुम्हारे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, दूर रहना मुझसे, समझे तुम? ये थोड़ा मुश्किल होगा माही, यू नो मैं तुम्हारे पास आने के लिए ही तो कामया से शादी कर रहा हूं। अरे माही देखो कौन आया। अंगद के डैड कामिया और अंगद की सगाई के बारे में बात करने आए। अरे अंगद, तुमने माही को बताया नहीं? यार मैं बताने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये खुशखबरी अगर ये तुम्हारे मुंह से सुने तो इसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आज का दिन कितना खुशी का दिन है, अगर कामिया सुनेगी ना तो
तो खुशी से पागल हो जाएगी, है ना? बिल्कुल जी। लेकिन वो है कहाँ? जरा उसे भी तो पूछ ले, ये सगाई करना चाहती है कि नहीं। उसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। उसने कहना है, ताया ताया जी, तरीक की क्या जरूरत है, आज ही करा दो, अभी करा दो। बोले आगे आप खुद ही पूछ लो। क्या बात है, आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा तेरी सगाई की तारीख पक्की होने जा रही है, तू बता तुझे कब सगाई करनी है? हाँ मैं सोच रही थी कि सगाई अगर रुक के करे तो। लेकिन मुझे लगता है कि अंगद जल्दी सगाई करने के मूड में है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सगाई जल्दी से करवा। ये हुई ना काम्या वाली बात। चलो अच्छा है काम्या, किसी बात पर तो हम दोनों की सोच मिलती जुलती है, वरना हम अभी इसी बात पर लड़ बैठते, है ना? हाँ भाई, मुझे तो सचमुच बहुत जल्दी है इस सगाई की, मैं तो मरा जा रहा हूँ कि कब इस परिवार का हिस्सा बनूं और कब। जीत उठ गया दुर्गा। मैं क्या जी, अभी तक सो रहा है, अभी जाकर देखती हूँ। डोंट वरी मम्मी जी, आई एम श्योर जीत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है परमीत, डॉक्टर साहब ने रात दिलासा यही दी है, लेकिन मुझे तो फिक्र ये सोच सोच के ज्यादा हो रही है कि आखिर ये हुआ कैसे। जब तक मेरे सवाल का ये जवाब नहीं मिल जाएगा ना, मुझे चैन कहां से आएगा? ये सब कैसे हुआ मैं जानता हूं पापा, ठीक तो है ना पुत्र? मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाहेगुरु का शुक्र है कि तू जल्दी ठीक हो गया। पुत्र तूने बताया ही नहीं कि तेरे साथ हुआ क्या था। पापा कल रात को हमारे घर के बाहर कोई था, उसे मैंने देखा। तूने देखा था उसे? पर पुत्र तू वहां करने क्या गया था? मामा कल रात को जब मैं अपने कमरे में था तो मुझे कोई बाहर छुप छुप कर घूमता दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे मन में शक सा आ गया, इसलिए मैं बाहर गया उसे पकड़ने के लिए। वो जैसे ही मेरे पकड़ में आता, किसी ने जोर से मेरे सिर पर वार किया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में था। जीते तूने हमला करने वाले की शक्ल तो देखी होगी? नहीं मामा, उसने वार पीछे से किया था, लेकिन वो कौन था इसका अंदाजा है मुझे। वो जरूर कोई चोर था जिसका एक साथी मेरी नजर में आ गया था,
और जब दूसरे ने देखा कि उसका साथी मेरी पकड़ में आने ही वाला है, तब उसने जोर से मेरे सिर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया और वो दोनों डर कर भाग गए। मुझे लगता है हम इतने दिन घर पे नहीं थे ना, इसलिए वो चोर चोरी करने आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हम घर पर वापस आ गए। बेचारे बदकिस्मत चोर। जीता ठीक ही कह रहा है, वो जरूर चोर ही होंगे। मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी। हाँ मैक्या जी, हमें पुलिस में ना जल्दी से रिपोर्ट कर देनी चाहिए। मामा, पुलिस में रिपोर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी उस चोर को इस घर से चमनी भी नहीं मिली होगी। मुझे नहीं लगता वो चोर इस घर में वापस आएगा। पुलिस बड़े केसेस में कुछ नहीं करती, इस छोटे केस में क्या करेगी? अब बैठ पुत्र, बैठ। चेरी, तू भी तो गई थी ना उस वक्त वहां टहलने, तूने तो चोर को जरूर देखा होगा। नहीं, मुझे लगता है मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो भाग गया होगा। और वैसे भी मम्मी जी, मैं ज्यादा देर तक कहां टहल पाई? मुझे तो जीत दिख गए बेहोश, तो मैंने आप सबको आवाज दे दी। आपको तो पता ही है। मैं जानता हूं चेरी, बाहर तुम ही थी, और मुझे पूरा शक है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा वो मददगार ही होगा। लेकिन मैं फिलहाल तुम्हारे फरिश्तों को भी ये पता नहीं लगने दूंगा कि मैं ये बात जानता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे तरफ से पूरी तरह से बेफिक्र हो जाओ, फिर तुम गलतियों पे गलतियां करते जाओगे, तब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, और इतने पक्के सबूतों के साथ पकड़ूंगा कि तुम्हें अपने हर गुनाह की बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी।